आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। ये देश है हमारा। क्या इजराइल से भारत को सीखना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद से देश मजबूत होता है। फैसिज्म राष्ट्रवाद नहीं होता है। हिटलर के राष्ट्रवाद को अगर भारत में लाएंगे भारत तबाह होगा। पहले भारत देश आता है या पहले धर्म आता है पूछे। मुल्क में रहो, उस मुल्क के साथ वफादार रहो, देश के साथ प्यार करो। पहले देश से पहले धर्म। देश सेवा भर वो ये है, शुभ कर्मन से कभी ना डरो। बोलिए हमारे साथ। ठीक है, बोल रहे हैं, तुम्हारे भूखे जीवन की बात कर रहे हो। हमारी कर गई अब, हमारे को बोल नहीं पाएंगे। हमारे को बोलिए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी हमस की, बात होगी आतंक की, बात होगी दुनिया भर की और बात होगी देश की। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, भारत से लेकर इजराइल तक, पूरी दुनिया आतंकवाद की चपेट में है। इसलिए आज मैं एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं और हो सकता है कि यह मुद्दा कुछ लोगों को चुभ जाए और चुभना भी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को लेकर पूरा का पूरा भारत एक जैसी सोच दिखा रहा है क्या? यह सवाल है और यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारे ही देश में बैठे कुछ लोगों को हमास के हैवान हीरो और फ्रीडम फाइटर की तरह क्यों दिख रहे हैं। भारत में बैठे कुछ इन खूंखार आतंकियों के लिए कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं? और सिर्फ वर्तमान का ही नहीं, आज हम इतिहास में भी झांकेंगे, क्योंकि इस देश में बुरहान वानी जैसे आतंकी के जनाजे में भीड़ जुड़ती है, उसे एक मास्टर का मासूम बेटा बताने की कोशिश होती है। इतना ही नहीं, याद कीजिए लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु के नारे लगे और कहा गया अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसी देश, इसी दिल्ली में यह हुआ। इसी देश में आतंकियों के लिए आंसू बहाए गए, याद है ना आपको वो नेत्री कौन थी? और पुलिस के एक्शन पर सवाल भी उठा। दूसरी तरफ इजराइल का एग्जाम्पल है जहां सरकार, विपक्ष, नेता, जनता आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ एक सोच रखते हैं, सिर्फ एक आवाज रखते हैं और एक मंच पे खड़े होते हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो सवाल है कि क्या पूरी दुनिया को इजराइल से सबक लेने की आवश्यकता है? भारत को भी इजराइल से सीखना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने भी खुल के कहा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, लेकिन आतंकवाद पर पूरी दुनिया में आम सहमति नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई जो आतंक का खेल है उसमें दो माइंडसेट है? क्योंकि गुड और बैड टेररिज्म की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल सबूत है, राष्ट्रवाद से ही देश मजबूत है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। अक्सर सुना और देखा होगा कि जहां जंग होती है वहां से लोग जान बचाकर भाग खड़े हैं। लेकिन जरा इजराइल के लोगों का अखंड राष्ट्रवाद देखें। अलग अलग देशों में बैठे इजरायली दुश्मन से जंग लड़ने के लिए अपने वतन लौट रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा इजराइल एकजुट है, एक मत है। लेकिन जरा भारत के कुछ नेताओं और मौलानाओं का हाल देखिए। नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। दुनिया जो है वो जब
इसराइल जुल्म करता है, फलस्तीन को कत्ल करता है तो वो खामोश रहते हैं। गाजा की जो स्ट्रिप है आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इसराइल ने, वहां पर 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। हमास को जब मीडिया आतंकवादी संगठन कहती है तो तकलीफ होती है। जिस तरीके से इंडिया में हमारे चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते हैं लेकिन हम लोग उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको सलाम करते हैं। हमास जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो अपने जमीन के लिए लड़ा, वो एक फ्रीडम फाइटर है, तो उसे हम आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। लेकिन जिसे हक की लड़ाई कहा जा रहा था उसका असली मकसद भी खुलकर सामने आ गया है। 510 मिलियन किलोमीटर मुरब्बा وهي مساحة الكرة الأرضية سوف تعيش حالة لا ظلم فيها ولا قهر فيها ولا خيانة। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हक की लड़ाई के नाम पर आतंकवाद का समर्थन किया जा सकता है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। इसराइल सबूत, राष्ट्रवाद से देश मजबूत, क्योंकि हमारे ही देश में बुरहान वानी का भी समर्थन होता है। हमारे ही देश में नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मेरे साथ आज कौन कौन है, पहले तो जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, के सिन्हा मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के आइडियोलॉग है, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रहमानी है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है। हाजिक खान है, जाने माने चिंतक है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से सब मेहमानों का स्वागत करिए। और इस बात की शुरुआत करता हूं मैं विवेक श्रीवास्तव आपसे, 50 सेकंड आपके पास है, अपनी बात को रखिए और मेरा निवेदन है कोई किसी के बीच में ना बोले। विवेक श्रीवास्तव 50 सेकंड आपके पास है, सवाल बड़ा सीधा है, क्या इसराइल से भारत को सीखना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद से देश मजबूत होता है। इसराइल से भारत को नहीं सीखना है, ना भारत को इसराइल से सीखना है। लॉन्ग लिव पैलेस्टीन, पैलेस्टीनियन लोगों के लिए लॉन्ग लिव हम कहेंगे, क्योंकि ये भारत की ऑफिशियल लाइन है 1931 से, जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी और अटल बिहारी वाजपेयी तक चल करके आई। इसराइल ने 1948 से लेकर के आज तक जमीनों पे अतिक्रमण करा, पैलेस्टीन जो है एक ओपन प्रिजन के रूप में रह गया। आतंकवाद बुरा है, हम हमास के द्वारा की गई आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन 70 साल से जो इसराइल कर रहा है जी, ये भी हमें देखना होगा। राष्ट्रवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र की सेवा। फैसिज्म राष्ट्रवाद नहीं होता है। हिटलर के राष्ट्रवाद को अगर भारत में लाएंगे भारत तबाह होगा। फर्जी राष्ट्रवाद के बदले देशभक्ति लाइए, अपनी ड्यूटी करिए, जो काम आपको अलॉटेड है, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसको ऑनेस्टी से करिए। जी जी जी, ये है वो राष्ट्रवाद। चलिए आपने अपनी 52 सेकंड में बात कर समाप्त करी। गौरव भाटिया, अब आपके पास 50 सेकंड है, सवाल बहुत सीधा है। प्रधानमंत्री ने बोला आतंकवाद पर पूरी दुनिया में एक सोच होनी चाहिए, लेकिन तौकीर रजा ने बोला कि हमास तो आतंकी संगठन नहीं, और सिर्फ तौकीर रजा नहीं, हमने निरंतर बाइट्स दिखाई जिसमें कहा गया कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, हमारे देश में हमास प्रेमी गैंग है एक पूरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रवाद के बारे में वो बता रहे हैं जो 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी नूडल्स खा रहे थे हक्का, वो बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। पहले तो लेफ्ट को ये बताएं, सबसे पहले ये बताओ तौकीर रजा की हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बोलेगा, अब बोला जालिम बुलाएगा, जिसको जालिम बुला रहा है। जहां आ रहा था ऑपरेशन अजय में 212 भारतीय जो युद्ध में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित भारत कोई लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी है, ये गर्व की बात है पहले से। दूसरी बात जी, ये सारे खड़े हैं, इनसे एक सवाल पूछिएगा, हमास आतंकवादी संगठन है और भारत खड़ा है इंसानियत के साथ, निर्दोष लोगों के साथ,
जिनको हमस महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, लाश को उठा के गाड़ी पर रखता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। और मैं यहां पूछता हूं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारे भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो बाहर निकल के क्यों नहीं आते कि उनके धर्म की आड़ में ये कसाई, ये दरिंदे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन तो यह होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह का नारा लगा के तुम ये पाप नहीं कर सकते हो। लेकिन दुख की बात है, दुख की बात है, जो मुसलमान निकलता है बुरहान वानी को बच्चा बताने के लिए, अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताने के लिए, आज जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। और इसलिए आज सवाल आता है इन लोगों से, आप बताइए, ठीक है, अल्लाह अकबर का नारा लगा के कोई आतंकवादी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है तो आप लोग चुप क्यों? ठीक है, तस्सीम रहमानी, अब आपका वक्त है। आतंकवाद का समर्थन ये कहना चाहते हैं तस्सीम रहमानी का वक्त है। बी फेयर टू ईच अदर, विवेक श्रीवास्तव, बी फेयर, तस्सीम रहमानी का वक्त है। और आज मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हमास अगर वहां बच्चों को मारता है, औरतों के साथ रेप करता है, और जो दुर्दशा हमास ने करी, और हमास अपनी टेरिटरी बचाने के लिए नहीं गया था, वो वहां टेररिज्म फैलाने गया था, वहां वो डराने गया था, तो ये जो रीजनिंग दी जा रही है एक तरफ से कि हमास तो अपनी टेरिटरी बचा रहा है, तो जेरूसलम हमास की टेरिटरी तो है नहीं, तो वो उस टेरिटरी के अंदर खौफ करने गया था, यानी इजराइल के अंदर खौफ फैलाने गया था, और उनके बच्चों को मार के, उनके लोगों को मार के क्या करना चाह रहा था, और उस किलिंग को भी जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है भारत के अंदर, क्यों? देखिए, फिलिस्तीन और इसराइल में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई एक तकलीफ दे वाकया है। पूरी इंसानियत जो है उससे, वहाँ के तमाम लोग जो बेकसूर लोग हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, उसे कोई अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन उस कत्लेआम को लेके, एक इंसानियत सोज वाकये को लेके, हम अपने देश में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सर्व करने की कोशिश करें और उसको पोलराइज करने की कोशिश करें, और ये चाहें कि उसके जरिए हम चुनाव जीत लें, तो इससे बड़ी कोई बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती कि हम इंसानी लाशों के ऊपर खड़े होके अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा बदकिस्मत बात है। आपका इशारा है, क्योंकि इस पर इशारा सबसे आपने पहले समझ तो लिया, आप समझाइए ना, एक सेकंड, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने, आप जो बात कह रहे हैं, आपका वक्त है अभी पड़ा हुआ, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने सबसे पहले इसके ऊपर अपना पैराग्राफ निकाल के दिया, तो आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस रही थी बगैर चीजों को जाने समझे, प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या बयान आया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वी स्टैंड विद इसराइल, ये बयान आया वजीर आजम। तो हमास ने क्या किया? दो दिन के बाद एमईए को, ठीक है, गलत, सवाल का उत्तर नहीं देने का, लेट हिम कंप्लीट, इनका राइट है बोलना सर, लेट हिम कंप्लीट, लेट हाजी खान आपकी टर्न नहीं है, लेट हिम कंप्लीट, बोलिए। दो दिन के बाद एमईए को वो स्टेटमेंट करेक्ट करना पड़ा, तो स्टेटमेंट तो आ गया ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर दिया। हमको मालूम है आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पर क्या स्टैंड रहा है इसराइल के बारे में। इसराइल आरएसएस बनी भी नहीं थी तब से, पहले से ये स्टैंड चला आ रहा है, ये इशू चला आ रहा है, आरएसएस बहुत बाद में बनी है, लेकिन आरएसएस का स्टैंड प्रो इसराइल हमेशा रहा है। वो बात प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है इसराइल के विषय में, अधिकार है हाजिक खान को, है विवेक श्रीवास्तव को, है और तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा को भी है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को भी अधिकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मेजर जनरल रिटायर्ड के सबसे पहला अधिकार, रेडियो पॉइंट आपने दो मिनट बोला लगभग, मेजर जनरल के पूरा, आप मुझे दो मरतबा तो रोकते रहे, रोका नहीं आपको, मैंने पूरा मौका दिया, मेजर जनरल के सिन्हा 50 सेकंड फॉर यू शार्प रिप्लाई, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है, बाकी सबको है जी बोलने का, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता जी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है। जवाब जवाब सुने जवाब 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 लेट हिम रिप्लाई। देखिए अमरीश जी, जय हिंद, और जय हिंद आपको और यहाँ पे बैठे सभी को और यहाँ के पैनलों को, जय हिंद जी,
देखिए, एक प्रधानमंत्री जो चुनकर आया है 1.4 करोड़ जनता का, वो आपका एक हेड है, और जब वो लाइन लेता है 1950 ईस्वी में इज़राइल को भारत ने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया, आज कह रहे हैं नहीं भारत ने नहीं किया, 92 में उसका एम्बेसी भारत में आ गया, 92 में तो नहीं थे मोदी यहां, आज 3 बड़े हमले हुए हैं आतंकवाद का, यह आतंकवाद का मामला है, जो हमास है फिलिस्तीन नहीं है, जो फिलिस्तीन है हमास नहीं है, इस चीज को समझने की चेष्टा कीजिए, और इसको समझने की पूरे भारत के लोगों को जरूरत है, क्या चीज हुआ है, 3 बड़े हमले हुए हैं आज तक, हमास 1978 में आया है, जी जी 87 में आया है, जो गाजा स्ट्रिप है 67 में इज़राइल ने इसको कब्जा कर लिया था इजिप्ट से, ना कि फिलिस्तीनियों से, और उसके बाद वहां उनकी पकड़ थी 2005 में, खुद यह जमीन दे दिया कि आइए आप बैठिए फिलिस्तीनियों को, हमास 78 में बनता है, और उसके बाद आज उसका क्या कहना है, उसकी आप चार्टर पढ़ेंगे, जिहाद से ईच एंड एवरी इजरायली को यहूदियों को यही आज कॉल भी दिया उन्होंने, ये उनका चार्टर है, उसको यदि यहां बैठ करके कोई कहता है तो उससे बड़ा मानवता का दुश्मन, और उसने यही किया आज, क्यों मारा उन बच्चों को, क्यों उनके साथ रेप करते हैं? आपने भी बात को 1.5 मिनट लिखा, मैं हाजिक खान के पास जा रहा हूं, फिर गौरव आडिया, मैं आपको मौका दूंगा, हाजिक खान मेरा सवाल बड़ा ये है कि हमास ने बोला टुडे इज द डे ऑफ रेज, और चाइना के अंदर इजरायली डिप्लोमेट को चाकू से गोदा गया, क्या आपको लगता है ये इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है हमास? देखिए, किस धर्म के नाम पर, किस मजहब के नाम पर ये खेल कर रहा है वो, और उसका समर्थन करने वाले क्या आपको लगता है नहीं है ज्यादा बड़े दोषी हैं पूरी दुनिया में? देखिए महोदय, बात ये है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि फलस्तीन और इसराइल में जो लोग मर रहे हैं वो मानवता का कत्ल हो रहा है, चाहे इसराइली लोग मर गए हों 1.5-2 हजार या 2-2.5 हजार फलस्तीनी और हमास के लोग मर, ये मानवता का कत्ल, ये जंग नहीं है, जंग ये होती है कि फौज फौज से लड़ती है और फौज फौज को हरा के उस मुल्क पर कब्जा करती है, लेकिन जब 1948 में इसराइल बना तो खाने के लिए इन यहूदियों पर रोटी नहीं थी, जब उन्होंने जगह दी अपनी जगह अपने इलाके में उन्हें पाला, लेकिन आज वहां पर इसराइल और हमास के बीच से जंग चल रही है, ये ना इस्लामिक झगड़ा है या धार्मिक जंग है, मैं एक मिनट बात कह दूं, और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक हिंदुस्तान के 17 प्रधानमंत्रियों ने फलस्तीन की और हिमायत की है, इसराइल की हिमायत नहीं की, करे फलस्तीन की हिमायत करे लेकिन हमास की हिमायत ना करे, हम ये कह रहे हैं, ठीक है, एक बात और कह दूं कि वहां 5 बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाऊद अलैहिस्सलाम के वहां 3 मस्जिद अक्सा जो है वहां, वहां 3 बड़े मजाहिब के लोग पूजा करते हैं, एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो पूजा करे किसी ने रोका थोड़ी है, मेरी बात ये है जी, कि वहां से शांति होना चाहिए, और दुनिया में यूएनए की जिम्मेदारी होती है इसराइल को और हमास को बिठाल के जी जी गौरव भाटिया रिप्लाई व्हाट विवेक श्रीवास्तव सेड एंड व्हाट तस्नीम रहमानी सेड क्विकली। सबसे पहले तो देखिए, जो झूठ बोले उसका हो मुंह काला। नरेंद्र मोदी जी का मैं वक्तव्य जो है ट्वीट लेके आया हूं, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो आतंकी हमला हुआ है इज़राइल पर, जो आतंकी हमला हुआ क्योंकि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, तो जो निर्दोष परिवार जो मारे गए हैं उनके साथ भारत खड़ा हुआ है सॉलिडारिटी में, क्या गलत किया, क्या कहे कि आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा हुआ, नहीं, भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। दूसरी बात इन्होंने जो करी, सबने बोला, 3 लोगों ने एक बार भी ये कहा कि हमास की निंदा करते हैं हम, गलत किया उन्होंने, नहीं किया, एक सेकंड, शांति, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये गलत है, हमास को आपने आतंकवादी घोषित किया, गौरव आप बताएं, आप आज खान देखा, बी फेयर, आपको जब कहना है तब आप बोलिए, बोलिए गौरव, देखिए हमास की, हमास की निंदा क्यों नहीं कर पा रहे मालूम है आपको, और भारत की धरती पे, हमास की बात चल रही है, भारत की धरती पे एक सवाल,
पूरी ताकत से पूरी जान लगा के उठना चाहिए वो ये है, कोई चाशनी में डाल के बात नहीं होगी, ये इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद गलत है। मैं ये कहता हूं जो भारत का मुसलमान है वो अब्दुल कलाम से सीख लेता है, अब्दुल हमीद से सीख लेता है, वो राइफलमैन औरंगजेब से सीख लेता है, वो हमास के लिए नहीं खड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं एक और बात कहता हूं, मेरा समय, मेरे पास दो तीन बिंदु है, मैं बाद में करूंगा जी। आज मैं ये जानना चाहता हूं अमित जी, इसलिए नहीं कि हम लोगों को किसी से डर लगता है, हमारी वीर सेना तो वो है, कोई हमारी तरफ बुरी नजर से देखेगा कुचल डालेगी, यहां सेना जी खड़े हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं पहले भारत देश आता है या पहले धर्म आता है, पूछे इनसे, बस जी, जी, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, पूछिए और फिर मैं बताऊंगा। आपने सवाल पूछा, इसका 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 जवाब ले रहे हैं, इसका दोनों से लीजिए, इनसे भी पूछिए, ओके, एक से पूछिए या उनसे पूछिए, आप ही से बोलना चाहते हैं, उससे क्यों पूछ रहे हैं, नहीं बोलेंगे वो, मैं बता रहा हूं, देखिए भाइयों, यही दिखाना चाहता था। मैं इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ, ये इलेक्शन कैंपेन का सवाल है और ये आरएसएस के लोग हमेशा इन्होंने यही कहा है कि मुसलमानों के ऊपर शक पैदा करने के लिए इनसे पूछो पहले भारत देश है या पहले धर्म है, आज की सवाल नहीं है, तो सभी से सवाल है। नहीं नहीं, सबसे नहीं, आपने विवेक से नहीं पूछा, तो उनसे भी लूंगा, विवेक से नहीं पूछा आपने, पहले क्या है, कम्युनिस्ट आदमी हूं मैं, तो कम्युनिस्ट आदमी हूं, मुझसे धर्म का तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। बहरहाल आपने पूछा है, इन्होंने पूछा है, तो जनरलाइज करके मैं बोल देता हूं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, उसका मजहब ही उसको देश सेवा के लिए प्रेरित करता है, सब एक ही है भाई। मैं तो कम्युनिस्ट हूं, मेरे हिसाब से तो धर्म एक अफीम होती है जिसको आप पॉलिटिकल लाइफ में लाते हैं तो लोग लड़ते हैं, दंगे करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, धर्म आपका एक व्यक्तिगत, बिंदु है, उसको व्यक्तिगत रहने दीजिए, धर्म को सड़कों पे लाएंगे, पर यहां तो धर्म के नाम पर लोग मार रहे हैं, नहीं जो भी धर्म के नाम पे मार रहा हो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो इस्लामिक हो गलत है। अब आप जवाब दे दीजिए, क्या जवाब, पहले धर्म या पहले मुल्क, नहीं नहीं मैं इस बहस में कभी गया नहीं, ये कम्युनल क्वेश्चन है, पहले धर्म या पहले मुल्क, मजहब नहीं सिखाता आपस में, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कह रहे हैं हमारा, एक मिनट, इस्लाम धर्म ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादार रहो और देश के साथ प्यार करो, पहले देश या पहले धर्म, सवाल बड़ा बेसिक है, पहले देश से पहले धर्म, अरे हम कह रहे हैं धर्म ही सिखाता है, हिंदू धर्म भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे मजहब बोल दीजिए, देश ना, देश सब, देश बड़ा ये है, देश पहले, देश बड़ा इस्लामी बता रहा है, देश बड़ा हिंदू धर्म भी बता रहा है, देश पहले धर्म पहले। देखिए मैं सिख रेजिमेंट का हूं, देश सेवा भर बोए है, शुभ कर्मन से कभी ना डरो, ना टरो जब आज मरो अतिहीरन में जूझ मरो, हम जूझ मरने वाले लोग हैं। आपने कहा मातृभूमि, आप सुनिए, ये नहीं कह पाएंगे, मातृभूमि अपनी माता से भी बड़ी है, उसके बाद आता है धर्म। धर्म क्या है, धर्म क्या चीज है, धर्म तो नहीं सिखाता, नहीं है ये तो कह गया, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अरे धर्म से पहले देश है, जहां से मट्टी ये पांच तत्वों की बनी हुई है, पृथ्वी इसमें तत्व है, आकाश है इसमें, पानी है, जब हम उसके नहीं हुए तो ये धर्मों का क्या, खाके वतन तो अरे साहब भी आएगी, आवाज हमें देना हर जाम पे हम होंगे, खाके वतन तुझ पे जब आज भी आएगी, आवाज हमें देना हर जाम पे हम होंगे, व्यूअर्स के पास आ जाता हूं, गौरव भाटिया नहीं नहीं पर विषय पर विषय 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 अंतर हो रहा है, विषय ये नहीं है, ये राजनीति, ये राजनीति करना, एक 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 करके, एक एक करके ऑडियंस, देश बड़ा है, ओके ओके, एक दुनिया के सारे कानून बनाने वाला, गौरव आपने क्या बात छेड़ दी, कोई शांति नहीं हो रहा, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक शांत 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 इसराइल पे अटैक हुआ, इसराइल के लोग जो बाहर काम कर रहे थे जी। जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो अपने घर पे वापस आ गए, उन्होंने बोला हमें देश के लिए आगे बढ़ना जी। है हमें देश के लिए कुछ करना है, हम देश के लिए काम करेंगे आकर जी। और वहां पर ऑपोजिशन के नेता सबूत नहीं मांग रहे थे, जैसे हिंदुस्तान में याद है ना, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगा था कि
क्या उड़ाकर आए हैं भारतीय सेना, उसका सबूत दे। उधर किसी विपक्ष के नेता ने सबूत नहीं मांगा, विपक्ष के नेता मोर्चे पे सेना के साथ खड़े हो गए और कहा जो सरकार कर रही है हमारी वो सही कर रही है, हमारे यहां पे सबूत मांगा जा रहा था, हमारे यहां पर पाकिस्तान के अंदर हम आतंकियों को मार के आए थे, सबूत मांगा जा रहा था। आज ये याद करके शर्म नहीं आती विपक्ष के कुछ नेताओं को। 30 सेकंड और इसलिए मैं कहता हूं इजराइल से राष्ट्रवाद सीख रहा है। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहूंगा, फिर गौरव उसका उत्तर। ओके, पहली चीज 1931 में ज्यूइश क्रॉनिकल में और 1938 के अंदर हरिजन के अंदर मैगजीन्स में महात्मा गांधी ने सीधा कहा था यह जमीन अरबियों की पैलेस्टीनियनों की है और एक काल्पनिक देश की वजह से अगर यहूदी वहां आके रहना चाहते हैं तो लैंड का डिवीजन किस तरीके से और यह एनक्रोचमेंट गलत है। सर 1948 में जब इसराइल बना तो भारत ने उसको मान्यता नहीं दी, नेहरू ने उसको मान्यता। और 1950 में ईरान एवं अन्य नॉन अलाइंड जो 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 देशों के का गुट आया, नेहरू को समझाया तब हमने उसको मान्यता दी। पर 1948 मेरे सवाल का भी जवाब, मैं आ रहा हूं उस पे। 1948 में इसराइल और पैलेस्टीन का जो नक्शा था जो बांटा गया, फिर उसको आप 1967 में देखिए, फिर 2023 में देखिए, इसराइल ने पैलेस्टीन का लैंड अक्वायर किया है। और आज अगर आप नक्शे को गूगल पर जाके चेक करेंगे तो 70% जमीन है पैलेस्टीनियनों की। इसराइल ने अमरीकी दबाव के साथ अमेरिका के फेवर को फेवर में लेकर के ली है, जिसके लिए पैलेस्टीन के नागरिक लड़ रहे हैं। वो उनका राष्ट्रवाद है। मैं हमास के वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ब्लाइंडली इसराइलियों को सपोर्ट देना सिर्फ ये कह के इजराइल के राष्ट्रवाद से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, सबूत मांगने चाहिए कि नहीं सबूत मांगने चाहिए। पृथ्वी पर स्टालिन के कम्युनिस्टों ने सबूत मांगने चाहिए। पृथ्वी पर सर किसको मार के आए? सर सुनिए, मांगने चाहिए कि नहीं मांगने चाहिए? पृथ्वी पर स्टालिन के कम्युनिस्टों ने हिटलर को मारा, ज्यूज की रक्षा करी। हम कम्युनिस्ट हैं, हम नहीं मानते, लेकिन आज हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। और ये देश है हमारा, में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार न्यूज 18 पर ये देश है हमारा में बड़ी चर्चा जारी रहेगी। एक्सपर्ट से आज जनता जनार्दन पूछेगी सवाल, ब्रेक के बाद। एयरपोर्ट पर उतरे पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत और श्रीलंका के राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। मील का पत्थर साबित होगा नागपट्टिनम और कांके संतुराई के बीच नौका सेवा। पितृपक्ष के आखिरी दिन आज देश भर में लोग कर रहे तर्पण, असम के डिब्रूगढ़ में और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बाबूघाट पर लोगों ने की पूजा अर्चना। गुजरात के अहमदाबाद में आज भारत पाकिस्तान के बीच आईसीसी विश्व कप मैच खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच इस महामुकाबले को देखने के लिए मशहूर गायक अरिजीत सिंह अहमदाबाद पहुंचे। इजराइल का गाजा पट्टी पर बहुत बड़ा ऑपरेशन, गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सेना, हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना ने की भारी बमबारी। कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद हुई तेज, आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, दो दिन तक अलग अलग चरणों में होगी बैठक, गौरव गोगोई करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पेपर लीक कांड पर किरोड़ी लाल मीणा का सबसे बड़ा दावा, प्राइवेट लॉकर्स में 500 करोड़ के काले धन होने की कही बात, गणपति प्लाजा में लॉकर्स के पास धरने पर ही बैठ गए सांसद। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कांग्रेस नेता और उनके रिश्तेदार के घर देर रात तक चली छापेमारी, साथ ही ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में मिले सबूतों के आधार पर दिनेश कोड़निया और अशोक जैन से भी की पूछताछ। अलवर के अरावली विहार थाना के पास सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास रातों रात एक मोबाइल टावर बनने से स्थानीय लोग हुए नाराज, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से की समझाइश। 24 घंटे में 24 नए मरीज, कोटा में डेंगू के डराने वाले आंकड़े, मरीजों की संख्या 1400 से भी ज्यादा पार। मतदान की तारीख घोषित होने और आचार संहिता प्रभावी होने के बाद झालावाड़ में पुलिस प्रशासन हुआ मुस्तैद, बॉर्डर पर बैरिकेड्स और सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही पैनी नजर। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने चुनाव से पहले दिखाई मुस्तैदी, मोहनगढ़ के मतदान बूथों और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 RD के साथ पुलिस थाने का निरीक्षण कर मतदाताओं की संख्या की भी जानकारी ली।
बीजेपी के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने मौलाना तौकीर रजा पर पीएम मोदी पर दिए गए बयान के लिए कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। दिलावर ने कहा कि ऐसे मौलाना को सजा बहुत जरूरी है। कोटा के रायपुरा इलाके में निर्माणाधीन मकान पर प्लास्टर कार्य के दौरान करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। युवक सुरेश नागर को अस्पताल पहुंचाया गया। कोटपुतली जिले के मोलाहेड़ा के पास बीती रात सवारियों से भरी एक बस में अचानक से आग लग गई, जिससे बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई, कोई जनहानि नहीं हुई। ईआरसीपी को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने फिर से एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस 16 अक्टूबर को बारा में एक विशाल जनसभा करने जा रही। राजसमंद जिला विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और साथ ही 21,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में छात्रों को मेडिकल स्टडीज के लिए डेड बॉडी की कमी को देखकर चार युवकों ने एनाटॉमी विभाग में अपना देहदान किया। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने चुनाव से पहले दिखाई मुस्तैदी, मोहनगढ़ के मतदान। परियोजना के अंतिम छोर तक जीरो आरडी के साथ पुलिस थाने का भी निरीक्षण किया। माउंट आबू में वैक्स म्यूजियम में काम करने वाले एक दलित के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की और लात और घूसों से मारपीट में वो बुरी तरीके से हो गया घायल। जोधपुर में गुजरात से बीकानेर जा रही एक दीवार से बस टकरा गई, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का कहर बढ़ा। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण बढ़ने के साथ लोगों को सांस लेने में भी हो रही तकलीफ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के सांकराइल औद्योगिक पार्क के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई, हालांकि दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले आईसीसी विश्व कप मैच से पहले प्रशंसकों ने वाराणसी में भारत की जीत के लिए गंगा आरती की। आज अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। इसराइल से ऑपरेशन अजय के तहत 235 भारतीय नागरिकों को लेकर आ रही दूसरी फ्लाइट से यात्रियों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। फ्लाइट आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत और श्रीलंका के राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। मील का पत्थर साबित होगा नागपट्टिनम और कांके संतुराई के बीच नौका सेवा। पितृपक्ष के आखिरी दिन आज देश भर में लोग कर रहे तर्पण, असम के डिब्रूगढ़ में और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बाबूघाट पर लोगों ने की पूजा अर्चना। गुजरात के अहमदाबाद में आज भारत पाकिस्तान के बीच आईसीसी विश्व कप मैच खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच इस महामुकाम वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। गौरव भाटिया, क्या इसराइल से राष्ट्रवाद हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को सीखना चाहिए? सवाल बहुत सीधा है मेरा। मेरा उत्तर भी बिल्कुल सीधा है। भारत वो देश है जिसने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, और इसराइल सीखेगा हमसे राष्ट्रवाद। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट में एक बात समझिएगा अमीश जी, हम लोग ये बात उठा रहे हैं, अगर आपकी मांग ठीक है उसको पाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। हम लोग गुलाम थे, एक स्वतंत्रता पूरा आंदोलन चला, बलात्कार नहीं किए गए, बच्चों के सर नहीं काटे गए। क्यों नहीं हुआ आपको मालूम है? क्योंकि नैतिकता के पैमाने में सबसे मजबूती से कोई खड़ा था तो वो भारत खड़ा था। मांग भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मेरा काउंटर क्वेश्चन है गौरव जी, आपने बोला कि हमें राष्ट्रवाद इजराइल से नहीं सीखना चाहिए, उल्टा इजराइल को भारत से राष्ट्रवाद सीखना चाहिए। क्या सीखे? सबूत मांगते हैं हमारे यहां पर लोग,
क्या सीखे? इजराइल के सैनिक वहां किसको मार के आए हैं गाजा पट्टी के अंदर? सबूत दें इजराइल के सैनिक आकर, नेतन्याहू आकर। हमारे देश में एक नेता नहीं, कई नेताओं ने सबूत मांगा है, सबूत मांगा है। फॉरेन पॉलिसी कैसे आ गई? फॉरेन पॉलिसी कैसे आ गई? रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। भारत देश जो है हमारे घर की तरह है, ये हमारा घर है। आप बताइए, घर की एक किवाड़ में अगर दीमक आ जाए तो पूरा घर गंदा हो जाता है क्या? उस दीमक को मार दिया जाता है। तो जो सबूत गैंग है, जो ला इल्ला इल्ला हमारा रिश्ता है आतंकवादियों से, वो कुछ आप धर्म विशेष के खिलाफ ना बोलें, ये तरीका ठीक नहीं है सर। आप धर्म विशेष के खिलाफ ना बोलें। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़े फोन में बड़ी सारी चीजें आती हैं, सब दिखाते रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी से वो कह रहे हैं भूमि उनकी है, फिलिस्तीनियों की। अटल बिहारी रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रधानमंत्री रहे वो। अच्छा ठीक है, आप कदर से कौन से तरीका है? घबरा गए क्या? घबरा नहीं, दिखा रहे हैं आप। बोला तो एकदम से इन्होंने घबरा के निकाल लिया मोबाइल, ऐसा क्यों है? आपको नहीं बोला हाजी खान, हाजी खान आप तस्वीर मेहमानी को बोलने दीजिए, आप सेल्फ कॉल कर रहे हैं लगातार, झूठ बोलते हो। हाजी खान निवेदन मानिए मेरा, आप सुनिए हाजी खान, जो बात मैं कह रहा था, आप हमास के आतंकियों की तुलना चंद्रशेखर आजाद से, आप भगत सिंह जी से करेंगे? अरे भगत सिंह जी पर किसी ने करी तो नहीं, क्यों नहीं करी है? आप सारी चर्चाएं उठा लीजिए पिछले तीन दिन के, जितने लोग आ रहे हैं फंडामेंटलिस्ट, कुछ आम लोगों ने करी है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा है। और मैं कहूंगा उनके जूते की नोक के बराबर नहीं है ये लोग जो ये बात उठा रहे हैं। एक बात अभी नहीं, अब आप हुआ गौरव, अब तस्लीम मेहमानी की बारी है, तस्लीम मेहमानी की बारी है। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, उसके बाद वो कह रहे हैं चुनाव हार रहे इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं, उसी का हाल बनाना चाह रहे हैं। पिछली बार आए थे दिल्ली चुनाव में ऐसे ही बोल रहे थे, उसके बाद इनकी जमानत जब्त हो गई, 149 वोट आए थे। बताइए वोट सबके गिन के रखते हैं आप। बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ, वही है जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ना भी बड़ी बात है। शाहीन बाग लड़े नहीं, शाहीन बाग में लड़ने लायक नहीं थे, आ जाते थे रोज शाम को, कह रहे थे आंदोलन करेंगे। तस्वीर में बने आपके पास वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं और जाके बात करूंगा। आपके पास आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चुनाव हारने वाले लोग यहाँ पर बैठ के क्या बात करेंगे? ये क्या जाने हमास के साथ चुनाव के बाद जीत जाएंगे, लेकिन भारत के बारे में क्या जाने कैसे लड़े थे फलस्तीन के बारे में? ये इन्होंने कभी पढ़ा है फलस्तीन और इसराइल को? पता है इनको पूरी तारीफ पता है, क्या जानते हैं? ये बोल नहीं सकते, इनके पास कोई मैटर नहीं है फलस्तीन के बारे में, इसलिए ये इधर उधर बावली की तरह से बावलों की तरह खेले चले जा रहे और चुनाव के लिए निशाना साध रहे, इसलिए नहीं आए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए। हमारे पास इसी बोलिए, हमारे मुंह की हवा निकल गई, हमारे को बोल नहीं पाएंगे, हमारे को बोलिए, सारी जनता जानना चाहती है। अरे आपसे लेकर आप हमारे से थोड़ी रहे, आपको क्यों गर्व हो रहा है? मैं हमारे में कहता हूँ बोलो तो ये चिल्ला रहे बच्चे, बहुत सा रिश्ता जुड़ा है हमारे, खड़ा करते हैं हमें भी इज्जत किया जाता है। अपनी बात को ये कोई बात है? यह राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी है तो क्या है? एक सेकंड गौरव, गौरव सर, आप इस संतन को जुदा कर देना, हाथ में ले लेंगे तो भी कहेंगे भारत माता की जय। गौरव गौरव सारी तरह गई है, अरे छोड़िए छोड़िए, हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बोल सकते, आप खा रहे इस देश को, मिटा दे लो देश के लिए, हमें बेकार की बात है, नहीं बोल पाएंगे। प्रधानमंत्री से पूछ के आए, प्रधानमंत्री से पूछे, अरे हमारे आतंकवादी है कि नहीं, बेकार की बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से हमास के जुड़वा भाई आज खड़े हुए हैं, हमें सिखाइए है, ये पूछ के आए प्रधानमंत्री से, मैं मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री कहे नाम लेके क्या बात आतंकवादी है, मैं मान जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री आपकी कह रहा है, लेकिन आपने बोला कि मैं हमास पे बात करूंगा, मैं पैलेस्टाइन पे बात करूंगा, विषय पे बात करूंगा। आप बताइए इस देश के अंदर तौकीर रजा जैसे नेता हैं या फिर मौलाना हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको, और आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि मैंने 9.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो दोबारा चुन के आ रहा हूं, तो उनकी इस बात मानते हैं आप? नहीं ना, ऐसे ही आप हमास के विषय में कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहता हूं, इस पर आप बोलना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? देखिए ये डिप्लोमेसी का इशू है, लोकल पॉलिटिक्स का इशू नहीं है। एक सेकेंड, तो अगर डिप्लोमेसी का इशू है और इसमें कोरे हैं
गौरव भाटिया, तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने तीन बार स्टेटमेंट दे दिया 7 तारीख से अब तक, उन्होंने हमास का नाम क्यों नहीं लिया? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं ना। कल हमारे जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, आप कह रहे कि डबल स्टैंडर्ड है, यहां कुछ और है और डिप्लोमेसी में कुछ और है। देखिए, कल एमईए के स्पोक्स पर्सन ने भी जब बात की, उनसे भी ये सवाल किया गया कि क्या हमास को हम ऑफिशियली एक आतंकवादी संस्था घोषित करेंगे? आप क्या मानते हैं हमास तो को? उन्होंने ये कहा कि नहीं। क्या मानते पहले है? पहले जो स्टैंड है भारत का वो तो जान लीजिए। उन्होंने ये कहा कि मैं रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को उन्होंने पूछा गया एमईए के स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। रिप्लाई टू दिस देन ऑडियंस, देन ऑडियंस अपने सवाल तैयार रखिए, आप सवाल तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ आपके। अमित जी जी 40 सेकंड विदेश मंत्रालय को ये बता रहे हैं क्या बोला, आप देख लीजिए, ऑनलाइन है और हमने तो उसको देखा भी है। देखिए बात क्या है, तीन बड़े हमले हुए हैं पूरे हमास आतंकी संगठन है कि नहीं आपके अनुसार? टोटल इसमें कोई शक लगता है? इसके दो कारण बताइए। यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी है। सुने जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं आप। यूनाइटेड आपको पता नहीं है, सारे देशों ने कह रखा है, अमेरिका ने कह रखा है, बाकी किसी ने नहीं कहा है, बस सिर्फ मोदी जी ने नहीं कहा है। रशिया चाइना सब वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी है, इनको नहीं पता, कुछ नहीं पता है। यूनाइटेड नेशंस ने 9 अक्टूबर की अपनी मीटिंग में भी अमेरिका और इसराइल के दबाव के बावजूद उसको आतंकवादी संगठन नहीं कहा। ठीक है, गौरव भाटिया, आतंकी संगठन नहीं कहा। मैं देखिए एक मिनट, देखिए मैं यहाँ पे इनको समझाने के लिए हूँ नहीं, इनको क्योंकि समझ में आएगा नहीं। ये सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि मैं सोया हूँ, ये सोए हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इसी ने लेके आया, क्या बोला है? शांत होइए पहले, बीच में अगर दोबारा बोले अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बस बोल दिया। क्या अच्छा नहीं है? क्या आप चीन जाइए, हक्का नूडल खाइए, आप चुप कीजिए, बीच में क्यों? गलत बात है अमीर जी, मेरे भी गलत बोला, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है। सुनिए, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट दिखा रहे हैं, पहले सुनिए। आप वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ने करा है कि नहीं? यूनाइटेड नेशंस मत बोलवाइए, तस्लीम तस्लीम, यूनाइटेड नेशंस चुप रहिए, क्यों चुप रही है? पहले की आपको पता ही नहीं है, ना बोला हो तो ठीक है। ठीक है, अच्छा ऑडियंस की बात जाता हूँ, मैं ऑडियंस की बात जा रहा हूँ, सुन लीजिए सर, मैं ऑडियंस की बात जा रहा हूँ। पहली चीज, अमीश भाई आपने प्रश्न पूछा था कि ऑपोजिशन क्यों प्रश्न पूछता है प्रधानमंत्री से और बीजेपी और सरकार से, सबूत मांगता है, सबूत मांगता है ना? बिल्कुल मांगना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट अमरीका की लाइन को फॉलो करती है, मेरा यह आरोप है। उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, मुझे दिखाना है, कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, प्रेशर में आती है, जैसा इज़राइल अमेरिका। क्या सबूत मांगने चाहिए भारत की सेना से? जो जिसको लगता है, जिसको लगता है वो हाथ खड़ा करे, सबूत मांगना चाहिए। जिसको लगता है नहीं मांगना चाहिए वो अपना हाथ खड़ा करे, नहीं मांगने चाहिए सबूत वो अपना हाथ खड़ा करे। पूछना हर नागरिक का फर्ज है, नहीं मांगने चाहिए सबूत भारतीय सेना से, प्रजातंत्र नहीं होगा। आप हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं, आप कहते तो हाथ खड़ा करिए, जो बने। देखिए ओवरऑल प्रश्न, सबसे कम 95% लोग कह रहे हैं कि नहीं मांगने चाहिए सेना से सबूत। वाल साहब का एक लाइन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बहुत शानदार बात। ठीक, तो मुझे तो ऐसा आगे देखकर लग रहा है कि मजहब हमें आपस में बैर रखना सिखा रहा है अभी, तो क्या ये आप लोगों के अनुसार सही है या गलत है? ये आपके अनुसार सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से तो यह गलत है, मजहब के हिसाब से लड़ना नहीं चाहिए मजहब के नाम पर, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। 80-20 की राजनीति करो, हिंदू मुसलमान वाद करो, वोट को पोलराइज करो और सत्ता में आने की कोशिश। आप ये इजराइल में भाटिया से जानना चाहते, भाटिया साहब से इजराइल वाले मामले में 80-20 कैसे आ गए? गौरव भाटिया जवाब। अगर धर्म और देश में टकराव आए, विचारधारा का भी, संविधान और धर्म में टकराव आए, हर बार देश पहले होगा, संविधान पहले होगा, यही हमारी सीख है, और तभी हम लोग पंथ निरपेक्ष रह सकते हैं, भाई बहन बन के रह सकते हैं। भारत हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, दूसरी ओर फिलिस्तीन की आजादी भी चाहता है, तो क्या भारत दो नाव पे सवारी कर रहा है? उन्होंने बोला क्या देश कंफ्यूज है, हमारा देश की डिप्लोमेसी कंफ्यूज है, ये एक सवाल आया, इसका जवाब। देश बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। पहली बात, जैसा सिन्हा जी ने कहा, हमें समझना होगा कि पैलेस्टाइन और हमास एक नहीं है, और मैं इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य जो है ये लेके आया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि निर्दोष मारे गए हैं और आतंकवादी संगठन जिसने मारा है उसकी निंदा करते हैं और निर्दोष लोगों के साथ खड़े हैं। मारा किसने? हमास ने, ये विश्व को पता है। अब इनकी समझ कम है तो अब क्या कर सके? विपक्ष के कई दलों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन कुछ विपक्ष के कई दलों ने कुछ चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसकी वजह क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है?
क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ हो रहा है? फिलिस्तीन के इशू को लेके भारत में जो कुछ हो रहा है ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जिसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। तो शुरू तो कांग्रेस ने करा ना कांग्रेस का, लेकिन अब आप देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स का नतीजा क्या है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल में चले गए। आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल में चले गए, ये सऊदी अरब में हुआ है। एक जनाब कांग्रेस के नेता है, ब्लॉक प्रमुख है, रजा कादरी, वो मक्का में कांग्रेस का पोस्टर लगाकर खड़े हुए थे, उनको पकड़ लिया गया। उन्हें उनको असल में फरवरी में आना था लेकिन वो अक्टूबर में आए हैं, 8 महीने वहां जेल में रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने के चक्कर में। वो भी वोट बैंक के चक्कर में घूम रहे थे, उनको लग रहा था वहां मैं पोस्टर दिखा दूंगा, यहां मुझे टिकट मिल जाएगी और कांग्रेस खुश हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जनाब पहुंच गए सीधा जेल के अंदर, वो पीछे उनकी तस्वीर चल रही है, ये सच्चाई है। और हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं कि उनको कोड़े नहीं पड़े हैं, लेकिन प्रावधान सऊदी अरब में कोड़े पड़ने का भी है और सोशल मीडिया पे वायरल है कि उनको 80 से 90 कोड़े भी पड़े हैं इसके बदले। तो ये हालात हुए हैं, ये हालात हुए हैं। तो वोट बैंक की आपने जो बात करी, तो वोट बैंक के हालात तो ये है। गौरव भाटी, इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए अबे भारत तो था नहीं, आप मंदिर में कुछ दिखा के आ जाओगे आपको कोई कुछ पकड़ेगा नहीं, वो सऊदी था, पकड़ के जेल में भी डाला। और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है मुझे नहीं पता कितना सही है गलत है, वो तो डिनाई कर रहे हैं, कोड़े भी पड़ गए हैं उनको साथ में। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है जो कांग्रेस तो सावधानी बरती है आगे से कोई ना करे ऐसा कर्म। कांग्रेस बिना सोचे समझे हर गड्ढे में कूद जाती है, हर डिबेट में आती है। अमित जी आज गायब है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वोट बैंक ना खिसक जाए मेरा, इसलिए डिबेट ही पे ना हो। और ये उनका रेजोल्यूशन है, कहीं भी हमास की निंदा नहीं करी और कहीं भी ये नहीं कहा है कि जो निर्दोष लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, इनको ये लगता है जो भारत का मुसलमान है, जो अपने वतन से प्यार करता है, वो ऐसी कट्टर सोच के साथ खड़ा होगा। और मैं दावे से कहता हूं मुसलमान भी कांग्रेस को लात मारेगा या तुष्टीकरण जो पार्टी करती है। क्यों लग रहा है इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होगा? हमास के समर्थन से या फिर पैलेस्टाइन के इनडायरेक्टली समर्थन से, उनकी निर्ममता के समर्थन से उनको फायदा मिल जाएगा देश के अंदर। कोई भी निर्ममता आतंकवाद के साथ नहीं है, INDIA का कोई भी घटक दल साथ में नहीं है, लेकिन पैलेस्टीन के साथ हैं, उनके कॉज के साथ हैं। ओपन एयर जो आज की डेट में हमास क्या कर रहे हैं पैलेस्टीनियन, आप इसराइल की निंदा करिए जो 70 साल से किया है। पैलेस्टीनियन लोगों के खिलाफ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी निंदा करें। 30 सेकंड, 200 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड, 40 children किल्ड दिस ईयर बाय इसराइल, करिए निंदा इसराइल की। क्यों नहीं करते हैं आप? आतंकी संगठन है, आप इसलिए निंदा नहीं करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे इस देश में वो महिलाओं के साथ गलत हुआ, कह रहे झूठ है, भी कह रहे झूठ है। इनका नैरेटिव बताता हूँ, ये दिखाना चाहते हैं आप ये दिखाना चाहते हैं बीजेपी वाले चुनाव के पहले 80-20 के चक्कर में कि देखो भाई ये हमास वाले मुसलमान हैं, देखो बीजेपी ने बोला ना इस देश में भी यही होगा, बीजेपी ने खड़े ही नहीं होगा, हिंदू एकत्रित हो। सुनिए ये वो लोग हैं जब कश्मीर में ये इस्लामोफोबिया को फैलाना चाहते हैं। कहा कि किसी ने कुछ नहीं बयान किया, मैंने तो बार बार कहा कि हमारे देश का आज की डिबेट में 50 बार इस्लाम को कटघरे में खड़ा किया गया। सुनिए बोला गया कि बताओ लेट इन मेक दिस पॉइंट खड़ा किया कि नहीं किया? विवेक आप अपनी पूरी बात से ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं, ओके बराबर वही तो करते। पहली बात, हमास को आतंकी संगठन कहो नहीं कह, इसराइल को टेरर स्टेट कहो, इसराइल क्यों कह रहे हैं टेरर स्टेट? 70 साल इसराइल पैलेस्टीनियंस इसराइल जस्टिफाई कर रहा है इसराइल को। फिर आप दूसरा सवाल नहीं, दूसरा सवाल सारे जनता यहाँ पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पहले देश या पहले धर्म, उत्तर नहीं दे पाए। तीसरी बात, ये सवाल ही बेमानी है, ये सवाल ही बेमानी इलॉजिकल है, पहले इलॉजिकल सवाल लाते रहेंगे। अच्छा ठीक अच्छा आपने अपनी बात में रखा, मैंने इनसे बोलिए सर, सिर्फ एक चीज अभी इनसे अपील है मेरी, मुश्किल हो जाएगा। आप टेरर स्टेट नहीं कहना चाहते इसराइल को, इसराइल की इसराइल की निंदा करिए 70 साल के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के लिए। नहीं क्यों 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 कर रहे हैं निंदा इसराइल की? इसराइल करिए निंदा इसराइल की। ये देखिए शाउटिंग मैच नहीं है, ये अनफेयर हो रहा है। एक बार बातें देखिए कितने देश हो रहे हैं, इट इज नॉट अ शाउटिंग मैच, के सिना इज वेटिंग, ही इज वेटिंग। इतनी बड़ी बात, न्यूज 18 देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, खबर इन्होंने दिखाई, वीडियो इन्होंने दिखाया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लाशों के साथ
जो व्यवहार किया गया ये यहाँ खड़े होके कह रहे हैं ये सही है सही है लेकिन गलत है। बताइए आपने बोला नेशनल मीडिया भी गलत है इंटरनेशनल मीडिया गलत है आपका ये फोन ठीक है वार फेक न्यूज की जो चेकर है ना फेक न्यूज चेकर बता रहे हैं जो दुनिया में जिनको अवार्ड मिला है चाहे वो किसी कौन नाम नहीं बता कौन किसी का जो घटना भाई आपने बोला कि ये सब इंटरनेशनल मीडिया में नेशनल मीडिया में सब गलत आ रहा है और फैक्ट और फैक्ट न्यूज चेकर जो है दुनिया भर के वो जो है वो सही बता रहे हैं। मैंने बोला नाम बताइए आपने बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा उन्हें छुपा के तो रखना चाहते हैं मेरी बात सुनिए बताइए कौन ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हमास ए टाइम कहां पे आया होगा वही पढ़ रहे हैं नहीं सुननी हो ऐसे टाइम से भाग रहे हो सच बोलो सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो भारतीय जनता पार्टी की एक मंडी है तो सच बोलो सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो आप तो बोलो ठीक ठीक झूठ और झूठ हमास पे बात हो रही है इतना आप नहीं कर रहे भाई ये आपसे जुड़वा भाई नहीं है भाई अरे बीच में जा रहे हो हमास पे भी चर्चा अच्छा उम्र का तकाजा भी है थोड़ा इत्मीनान 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 है बहुत अच्छा इत्मीनान से देखिए फैक्ट चेकर का नाम नहीं किसी ने बताया फैक्ट चेकर है दुनिया भर में मैं नहीं उसको बताऊंगा ये फोन आपका फैक्ट चेक होगा लेकिन इस फोन में सब कुछ सच नहीं है ठीक है एक सेकंड लेकिन मैं क्या किसे ना सब कुछ झूठ आ रहा है बच्चों को पालने में नहीं मारा गया नितिन आप झूठ बोल रहे हैं एक सेकंड सर अनफेयर कर रहे हैं ना अनफेयर कर रहे हो अनफेयर कर रहे हैं ना हाजिक खान अब आपने बोले अपनी बात को ये कह रहे हैं कि बच्चों को पालने में नहीं मारा गया औरतों के साथ रेप इसराइली फौजियों ने मारा है वो सर आप बोलो माइक इसराइली फौजियों ने मारा है सर आप शांत हो जाओ आपने फिर चेक करके सर आपने अपनी बात को रख लिया ना कि क्या तरीका है ये क्या बात ओके ओके आप कह रहे हैं कि किसी बच्चे को नहीं मारा गया पालने के अंदर औरतों को उठा के नहीं लेके गए रेप नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ सब झूठ बोल रहे हैं मैं आपको बताऊं नेतन्याहू झूठ बोल रहा है इसराइल का प्रधानमंत्री बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर झूठ बोल रहा है इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है इंटरनेशनल पब्लिकेशन झूठ बोल रहे हैं सिर्फ ये हाजिक खान या सच के पुतले हैं बाकी और कुछ है अब आप सुनिए अब बताइए सच क्या है आज देश सच सुनना चाहता है। देखिए मैं दो चीज बोलूंगा आप कार्ल मार्क्स यहूदी थे कार्ल मार्क्स को के यदि वो खड़े हैं कार्ल मार्क्स यहूदी थे उनकी जाके राइटिंग पढ़िए यहूदियों का घर कहाँ है। दूसरी बात हाँ उनकी बत्ती बंद हो जाएगी ये लोग कह दें अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आइसिस का है हूती रेबल्स भी एक आतंकवादी संगठन है हमास नहीं है मैं इनकी बात मान लूंगा ये कह दें यहाँ टीवी पे ये लोग कहने खड़े कि अलकायदा आप क्यों करेंगे आप तो आपको तो मैंने बता दिया आप कार्ल मार्क्स यहूदी थे और वो इनका क्या मतलब मेरे से क्या डिबेट कर मैं जवाब दे रहा हूं बता रहा हूं ना ये 14 साल के इतिहास को ये लोग कहते हैं 70 साल की इन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है उसकी सेवा लगाई है साहब यदि डिबेट करनी है तो डिबेट करें ये नहीं मैं कोई पॉलिटिकली नहीं आपको क्या पॉलिटिकली करेंगे आप मेरे को यहाँ के प्रधानमंत्री भी बना दोगे ना मैं ही बनने वाला मैंने देश की सेवा करनी है सुने कार्ल मार्क्स कुछ नहीं मार्क्स के नाम ये गाना गाते हैं ना सेवंथ फ्लीट कार्ल मार्क्स में तब आप थे सर्विस में नहीं चलाता सेवंथ फ्लीट उसी अमेरिका का अरे साहब ये क्या डिबेट कराने आप मैं बुलाए कि आप जो उनको जो चाइना के साथ खड़े रहते हैं कार्ल मार्क्स एक यहूदी थे उसी जगह के रहने वाले हैं आप बोले ना आईएसएस अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलिए नहीं बोले बुलवाइए ना नहीं बोलेंगे ना गिव मी 10 सेकंड जैसे मोहम्मद आई वांट 10 सेकंड बोलिए जैसे मोहम्मद इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलिए ना साहब सर किसी भी लश्करे तैयबा इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे ना थे 26 सेकंड रखिए आतिल कोई नहीं करने दिया तो केवल ये बोल दीजिए कि जैसे मोहम्मद एक टेररिस्ट मान रहे वो जैसे हमने क्या इंटरनेशनल अरे भाई बोले बिल्कुल आखिरी दौर है बिल्कुल आखिरी दौर है मैं ओके ओके बिल्कुल आखिरी दौर है लेकिन 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 एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है आप देखिए ये सब कुछ हो रहा है
इजराइल और हमस के बीच में हमारे देश के कुछ नेताओं को, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों को लग रहा है कि देखिए हमास के समर्थन में अगर खड़े होंगे तो एक बड़ा मैसेज चला जाएगा। आखिरकार वो हमास के समर्थन में क्यों है? ये वही लोग हैं जो भारत की सेना से सबूत मांगते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत की सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत की तरक्की पर सवाल उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत को ऊपर बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। मेरा निवेदन है राष्ट्रवाद की लौ आपको जला के रखनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र है तो आप है, राष्ट्र है तो मैं हूं, राष्ट्र है तो हम सब हैं। राष्ट्रवाद क्यों जरूरी है और उस राष्ट्रवाद में सनातन का क्या एंगल है, यह भी समझ लेना चाहिए। जय हिंद।